गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू द सेकेंड लेसन ऑफ एनसीईआरटी इंग्लिश फॉर क्लास सिक्स. द लेसन इज हाउ द डॉग फाउंड हिमसेल्फ ए मास्टर. इन दिस लेसन फर्स्ट ऑफ ऑल आई वॉन्ट टू एक्सप्लेन द मीनिंग्स ऑफ सम डिफिकल्ट वर्ड्स. दीज वर्ड्स आर मास्टर. मास्टर मीन्स एम्प्लॉयर, रूलर यानी स्वामी या मालिक. नेक्स्ट वर्ड इज वंडर, इट मीन्स रूम एमलेसली यानी आवारा घूमना. एंड देन देयर इज वर्ड फ्राइटेंड, इट मीन्स अफ्रेड यानी भयभीत. नेक्स्ट वर्ड इज किन्समैन, इट मीन्स अ रिलेटिव यानी संबंधी. नेक्स्ट वर्ड इज फायर्स यानी वायलेंट, इट मीन्स इन हिंदी भयंकर या बड़बर. नेक्स्ट वर्ड इज डार्टेड, इट मीन्स मूव्ड क्विकली सडनली यानी अचानक भाग खड़ा हुआ. देन देयर इज अ फ्रेज कम ओवर, इट मीन्स चेंज साइड्स और ओपिनियंस यानी दल या विचार बदलना. नेक्स्ट वर्ड इज रेडिली, इट मीन्स प्रॉम्प्टली यानी तुरंत ही शीघ्र ही. देन देयर इज वर्ड पैनिक, इट मीन्स फियर यानी डर या भय. नेक्स्ट वर्ड इज टेरिबल, इट मीन्स एफुल और फियरफुल यानी भयानक या डरावना. नेक्स्ट वर्ड इज हेस्टिली, इट मीन्स क्विकली यानी जल्दबाजी में. एंड लास्ट वर्ड इज एमिड, मीन्स इन द मिडिल ऑफ, हिंदी में मतलब होता है बीच में. Now I am going to explain the lesson in brief. Once dogs were their own masters. They lived freely. Then a dog was born who was not happy with the way of his life. He was sick and tired of moving about by himself in search of food. He was being afraid of those who were stronger than him. So he decided to become the servant of one who was stronger than anyone on the earth and set out to find such master. पहले कुत्ते स्वतंत्र हुआ करते थे, वे स्वतंत्र रहते थे और अपना मालिक स्वयं हुआ करते थे. तभी एक कुत्ता का जन्म हुआ जो अपने इस तरह के जीवन से खुश नहीं था. वह भोजन की तलाश में इधर उधर भटकते रहने से ऊब गया था और उसे अपने से ज़्यादा ताकतवर जानवरों से भी हमेशा डर बना रहता था. इसलिए उसने सोचा कि वह किसी ऐसे का नौकर बनेगा जो इस धरती पर सबसे ज़्यादा ताकतवर हो, और इसीलिए वह अपने ऐसे मालिक के खोज में निकल पड़ा. फर्स्ट ऑफ ऑल ही मेट ए बिग वुल्फ. ही आस्क द वुल्फ टू बी हिज मास्टर एंड बोथ ऑफ देम वेंट ऑन टुगेदर. आफ्टर सम टाइम ही फाउंड दैट द वुल्फ वाज अफ्रेड ऑफ ए बियर, सो ही लेफ्ट हिम एंड बिकेम द सर्वेंट ऑफ द बियर एंड वॉक्ड ऑन टुगेदर. सडनली they were stopped by a terrible noise of a herd of cows. The bear looked out from behind a tree and noticed a lion over there. On seeing the lion, the bear ran deeper into the forest. हिंदी में समझे तो सबसे पहले उसे एक भेड़िया मिला, तो उसने भेड़िया को अपना मालिक बनने के लिए कहा, तो भेड़िया तैयार हो गया. फिर दोनों साथ चल पड़े, लेकिन कुछ देर बाद ही कुत्ता को पता चला कि भेड़िया एक भालू से डरता है, तो वह उसे भी छोड़ दिया और भालू का जाकर नौकर बन गया. और दोनों कुत्ता और भालू साथ चल दिए. तभी अचानक वे दोनों किसी भयानक आवाज़ या शोरगुल जो कि गाय के झुंड की थी को सुनकर रुक गए. वह भालू
एक पेड़ के पीछे से छिप कर देखा तो उसे एक लायन वहाँ पर दिखाई दिया। लायन को देखते ही वह भालू जंगल घने जंगल में भाग खड़ा हुआ। When the dog saw that the bear was afraid of the lion, he left him and went to join the company of the lion. He served the lion for a long time. Living with the lion was a good life for him. He had nothing to complain of, and no one dared to touch him or offend him in any way. जब कुत्ता ने देखा कि बियर भी एक लायन यानी शेर से डर गया तो वह उस भालू को भी छोड़ दिया और जाकर लायन का नौकर बन गया यानी उसके साथ मिल गया। उसने उस शेर का काफ़ी लंबे समय तक सेवा किया। उस शेर के साथ रहना उसके लिए अच्छा जीवन था। उसको कोई शिकायत नहीं थी और कोई भी जंगली जानवर उसको छूने का या डराने धमकाने का साहस भी नहीं कर सकता था। बट वन डे ही सॉ दैट द लायन वॉज ऑल्सो अफ्रेड ऑफ ए मैन, सो ही लेफ्ट हिम एंड वेंट टू ज्वाइन द मैन। ही स्टेड विथ हिम एंड सर्व्ड हिम फेथफुली। फ्रॉम दैट डे द डॉग इज मैंस मोस्ट लॉयल सर्वेंट एंड नोज अदर मास्टर्स। लेकिन एक दिन देखा कि वह शेर भी एक आदमी से डर गया तो उसे लगा कि आदमी उससे ज़्यादा ताकतवर है, इसीलिए वह शेर को भी छोड़ दिया और जाकर उस आदमी के साथ हो गया। उस आदमी के साथ वह काफ़ी समय तक रहा और उसका वफादारी पूर्वक सेवा किया और उस दिन से आज तक कुत्ता जो है आदमी का सबसे वफादार नौकर बना हुआ है और अभी भी अब जो है उसको किसी और मालिक का तलाश नहीं है। विथ दिस एक्सप्लेनेशन आई वॉन्ट टू कंक्लूड माई एक्सप्लेनेशन। थैंक्स।